नमस्कार सभी को एक बार फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगा कि जो भी लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, बीमारियाँ ठीक करना चाहते हैं या सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का कोई भी स्टेप लेना चाहते हैं, सबसे पहला जो काम होना चाहिए वो क्लिंजिंग का होना चाहिए। अपने आप को क्लीन जरूर कर लें, अपने डाइजेशन को ठीक जरूर कर लें। अगर योग के अभ्यास आप करना चाहते हैं, योग से रिलेटेड कुछ भी आपने प्रैक्टिसेस पहले सीखी हुई हैं, तो आप पहले षटकर्म का अभ्यास जरूर कर लें। खासकर और कुछ ना हो पाए तो शंख प्रक्षालन का अभ्यास आप कर लें, कुंजल का आप अभ्यास कर लें, पेट की सफाई जरूर कर लें कोई भी थेरेपेटिक प्रोसेस शुरू करने से पहले। और अगर आयुर्वेद का कोई ट्रीटमेंट आप लेना चाहते हैं तो पंचकर्मा का अभ्यास जरूर कर लें। उसमें आयुर्वेद डॉक्टर के हिसाब से जो भी पंचकर्मा आपके लिए उपयुक्त हो उसका अभ्यास जरूर करें, उसको जरूर करवाएं। पहले क्लीन करें बॉडी को, उसके बाद कोई थेरेपेटिक प्रोसेस शुरू करें। अगर नेचुरोपैथी से इलाज करना चाहते हैं तो सात्विक डाइट आप खाएंगे, कच्चे फल आहार, सब्जियां, सलाद आप खाएंगे तो वैसे ही क्लिंजिंग हो जाएगी। उसमें इतनी नेचुरोपैथी तो डिपेंड ही सारी डिटॉक्सिफाई करने के ऊपर है, आपको क्लीन करने के ऊपर है। बाकी अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट जब लेना चाहते हैं, नेचुरल थेरेपीज़ की बात कर रहा हूँ, एलोपैथी की बात नहीं कह रहा मैं, कोई भी ट्रीटमेंट आप जब लेना चाहते हैं अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए, वेट कम करने के लिए, कुछ भी कम करने के लिए, अपनी बॉडी को पहले डिटॉक्सिफाई करें। नहीं तो क्या होगा कि जो आप मेडिसिन आप लेंगे, आयुर्वेदिक मेडिसिन आप लेंगे या जो भी एक्सरसाइज आप करेंगे, अगर आपका पेट ठीक नहीं होगा, आपका डाइजेशन ठीक नहीं होगा, आपकी बॉडी क्लीन नहीं होगी, तो इनका इफ़ेक्ट जो है वो 50% हो जाएगा या फिर होगा ही नहीं या बहुत कम होगा या जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा। तो मेन फोकस करना शुद्धिकरण के ऊपर। कोई भी प्रोसेस शुरू करने से पहले जो भी फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल हैं, योग से आप कर सकते हैं, षटकर्म के थ्रू, पंचकर्म के थ्रू कर सकते हैं, कोई भी मेथड आप अप्लाई कीजिए और पहले क्लीन कीजिए अपने आप को। उसके बाद क्या होगा, जो भी आप औषध खाएंगे, आयुर्वेद की जो भी रसायन आप लेंगे वो आपके ऊपर काम करेगा, उन सारी चीज़ों का रिजल्ट होगा आपके ऊपर। ऐसे ही जब अगर सिर्फ एक्सरसाइज भी आप करते हैं, सिर्फ फैट लूज़ आपको करना है, वेट कम करना है, तो अपने डाइजेशन को एक बार ज़रूर चेक करें कि कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, फूड प्रॉपर डाइजेस्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि जो वेट बढ़ा हुआ होता है वो डाइजेशन की वजह से ही बढ़ा हुआ होता है, आपका डाइजेशन वीक होता है, आप फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। जैसे शंख प्रक्षालन क्रिया आप सीख सकते हैं, लघु शंख प्रक्षालन क्रिया है, यूट्यूब से आप सीख लें या किसी एक्सपर्ट से आप सीख सकते हैं। अगर खुद से करनी है तो लघु मैं प्रेफर करता हूँ कि लघु करें, 10-15 गिलास पानी वाली जो प्रक्रिया होती है उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं अगर आपको आसन आते हैं तो। थोड़ा सा ध्यान रखने की जो सावधानियाँ हैं उनका ध्यान रखें, या फिर आप कुंजल क्रिया कर लें सुबह उठ के खाली पेट, वॉमिटिंग करने वाली जो क्रिया होती है, नमक का पानी, गर्म पानी पी के कुंजल क्रिया होती है, वो क्रिया प्रैक्टिस करें, अपने डाइजेशन को आप ठीक करें। उसके बाद आप कोई भी डाइट प्लान लेंगे, कोई भी आयुर्वेदिक थेरेपी लेंगे, कोई भी थेरेपी लेंगे आपके पेट में, वो जाके वो चीज़ इफ़ेक्ट करेगी आपके शरीर के ऊपर और आप प्रॉपर उस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि टाइम भी ख़राब होगा, पैसे भी ख़राब होंगे और फिर वो थेरेपीज़ काम भी नहीं करेंगी। नॉर्मली मैंने देखा कि आयुर्वेदिक मेडिसिन हम कहीं से भी लेते हैं और डायरेक्ट खाना शुरू कर देते हैं, उनका इफ़ेक्ट कम होता है और फिर हमें लगता है कि आयुर्वेद काम नहीं करता। आयुर्वेद बहुत अच्छा काम करता है, सारी चीज़ें अच्छी काम करती हैं। अगर आपकी बॉडी क्लीन है तो उसके ऊपर सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट होगा। हाँ, अगर शुद्धिकरण आपने कर लिया तो उसके बाद आप गलत खाएंगे तो उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट भी उतना ही ज़्यादा होगा, और अगर आपने कोई अच्छी चीज़ ली है तो उसका अच्छा इफ़ेक्ट भी उतना ही ज़्यादा होगा। अगर सिंपल एक्सरसाइजेज आप करते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो भी अपने डाइजेशन को टाइम टाइम पर चेक करते रहें। जो भी बीच बीच में क्लिंजिंग हर किसी को कर लेनी चाहिए, महीने में, दो महीने में एक बार शंख प्रक्षालन कर लो, कुंजल कर लो, या फिर अपना खूब सारा पानी पी के, और अगर कोई आयुर्वेद एक्सपर्ट आपके पास अवेलेबल है तो आयुर्वेद की भी मदद ले सकते हैं। पेट साफ होना ज़रूरी है। अगर पेट में बहुत सालों से हम क्या है कि बहुत सारा जंक खा के, बहुत गलत खाना खा के, एसिडिक फूड खा के हमने अपने डाइजेशन को बिल्कुल ख़राब कर लिया है। पेट ऐसे है जैसे गाड़ी का इंजन है। अगर इंजन ठीक नहीं होगा तो गाड़ी को आप कितनी ही अच्छी सर्विस, कितना ही अच्छा, कितने अच्छे उसमें टायर डाल दो, कितना ही अच्छा उसमें पेंट करवा लो, कितनी ही अच्छी ट्रैक के ऊपर लेके जाओ, वो परफॉर्म नहीं कर पाएगी।
तो ऐसे ही आपके शरीर के साथ है, अपने इंजन को आप दुरुस्त रखें, समय समय पर इसकी सर्विस कराते रहें, और इसमें जो आपका खाने योग्य आहार है, कभी कभी कुछ जंक आपने खा लिया, कभी कभी 15-20 दिन में, महीने में, वो चल जाएगा, वो बॉडी आपकी बियर करेगी उस चीज़ को, वो ऐसा नहीं है कि एकदम से बीमार पड़ेंगे, लेकिन ध्यान रखें अपने खान पान का, अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें, भूख के बिना ना खाएं, चबा चबा कर खाएं, माइंडफुल ईटिंग करें, इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। आज की वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि कोई भी थेरेप्यूटिक प्रोसेस शुरू करने से पहले, कोई भी रूटीन शुरू करने से पहले अपने डाइजेशन को एक बार ज़रूर चेक कर लें कि वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कई बार हमें लगता है कि हम ठीक से काम कर रहा है, पेट हमारा पेट ख़राब नहीं है, कॉन्स्टिपेशन नहीं है। अगर आपको सुबह उठते ही फ्रेश होने के लिए पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है, त्रिफला चूर्ण लेने की ज़रूरत पड़ती है, कोई चाय कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ती, तो आप समझना कि कॉन्स्टिपेशन आपको है, फिर आपको उसका इलाज करना पड़ेगा। पहले पेट को ठीक करो, उसके बाद कोई प्रोसेस अप्लाई करो, फिर आप कोई वेट कम करने की एक्सरसाइजेज शुरू करो। हाँ, अगर नॉर्मली नेचुरल तरीके से पेट साफ होता है और हाई फाइबर ऑफ फूड खाते हैं, होल ग्रेन्स का यूज करते हैं, खूब सारे फल सब्जियां खाते हैं, खूब सारा फाइबर युक्त आहार खाते हैं, तो फिर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, फिर डाइजेशन आपका ठीक रहेगा। फिर आप कोई भी प्रोसेस, एक बार डाइजेशन को जरूर चेक करें कोई भी प्रोसेस फॉलो करने से पहले। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अपने पेट का ध्यान रखें, ये हमारे पूरे शरीर का इंजन है, जैसे गाड़ी का इंजन है, तो इसका ज़रूर ध्यान रखें। इसके बिना फिर इफ़ेक्ट नहीं होगा, नहीं दवाइयों का होगा, नहीं एक्सरसाइज का होगा, फिर हम डीमोटिवेट हो जाएंगे, फिर हमें लगेगा कि ये हमारे ऊपर काम नहीं करती, सब लोग इनसे ठीक हो रहे हैं, हम नहीं होते, फिर हम भाग्य को कोसेंगे, भगवान को कोसेंगे। थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल बने, थोड़ा सा अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए अपने पेट को भी चेक कर लें। कई बार क्या होता है कि डॉक्टर्स ये बात नहीं बताते। अब जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है शरीर में, हम जनरल फिजिशियन के पास चले जाते हैं, डॉक्टर इतनी चीज़ें नहीं बताता। डॉक्टर नॉर्मल दवाई लिख देता है, हम वो दवाई खा लेते हैं, एंटीबायोटिक खा लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, या कोई पेन किलर खा लेते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। ये सेल्फ़ वेलबींग की बात है, ये हमें खुद सोचनी पड़ेगी। कई बार डॉक्टर्स नहीं बताते, आयुर्वेद जो चिकित्सक हैं वो भी नहीं बताते कि आपको पंचकर्मा करने की ज़रूरत, क्योंकि वो सुविधाएं हर जगह अवेलेबल नहीं हैं। तो ये चीज़ हमें खुद सोचनी पड़ेगी कि हमें कोई डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को करने की ज़रूरत तो नहीं है। थोड़ा खुद के ऊपर ध्यान देना शुरू करें, खुद का ध्यान रखना शुरू करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो काम की लगे तो दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कोई सुधार की आवश्यकता हो तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।